इस हादसे की वजूहत हमारी जो बिजली कनाल ऊपर से चल रही है तो वो उस वक्त के काम जो हो रही है वो पत्थरों से निकाली है उन्होंने, मिट्टी में नहीं है वो पत्थरों से निकल रहा है वो पानी, और 10-15 साल से वो पानी निकल रहा है जो कि ये नेशनल हाईवे का कश्मीरी में हम बोलते हैं इसको बटू, इस बटू से 1 किलोमीटर पानी निकल रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता वही पानी ज़मीन में धस गया है और ज़मीन सॉल्ट हो गई, नरम हो गई, और वक्त आ गया इस वक्त नीचे नेशनल हाईवे पर एक कंपनी था जो 20 दुकान पर मुश्तकिल था और 4 मंजिल थी उसकी, एक बिल्डिंग थी उसमें जो रहायश पजीर थी, इस वक्त उसका एक टीन का पट्टा भी कहीं नज़र नहीं आता है, उस सिलट के नीचे चली गई है। हो सकता है कि सुनने में आया कि इसके नीचे कुछ गाड़ियाँ भी दबी है, उसके मस्जिद की तरफ से 2-4 मकान हैं उनमें भी इस वक्त पानी चल रहा है, उन्होंने मकानों को खाली कर दिया है, वो दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए हैं, तो इसलिए यहाँ पर बहुत डेंजरस है। इस वक्त तकरीबन 1 किलोमीटर पर आने वाला है दोबारा, और अभी भी खतरा है। हम गवर्नमेंट से यही इल्तिमास करते हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेशन से यही इल्तिमास करते हैं कि इस गांव के लोगों को बचाओ और यहाँ पर बिजली कनाल की मरम्मत कराओ, तब तक बिजली कनाल को पानी न छोड़ा जाए जब तक इसकी मरम्मत न की जाए। कोई नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, अल्लाह ने सब कुछ बचा दिया, अलबत्ता माली नुकसान करोड़ों में हो गया है। यहाँ पे अभी जो हमें पता चला कि 10:30-11 बजे के करीब यहाँ पे लैंडस्लाइड जो आया, और लैंडस्लाइड का जो मैग्नीट्यूड है ये काफ़ी ज़्यादा है। अभी आप भी देख रहे हैं कि लगभग 100 मीटर के आसपास हमारा जो नेशनल हाईवे ये ब्लॉक हो चुका है, और इसका जो हाइट है इसका वो 15 to 20 फीट ऊँचा है, और लकीली यहाँ पर कोई हमारी कैजुअल्टी वैसी नहीं हुई है। दिन का टाइम था, दिन के टाइम पर लोग अपने घरों को छोड़ कर भाग कर सेफर प्लेस पर चले गए। अलबत्ता माली नुकसान जो है अभी इनिशियली हमें पता चल रहा है कि कुछ 20 के करीब यहाँ पे दुकानें थी और एक रेजिडेंशियल मकान था जो उसके नीचे दब चुके हैं। उसके अलावा भी अभी देखा जा रहा है और भी गाड़ियाँ कितनी थी, क्या यहाँ पे पार्किंग में 2-3 गाड़ियाँ भी थी, अभी वो जब डेबरेस हम उठाएंगे तब पता चलेगा एग्जैक्टली क्या पोजिशन है। लकीली हम ये कह सकते हैं कि अभी जो है कोई जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ है बेशक, और हमारे जो है जो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है, हम जो डेबरेस है डेबरेस को हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी से जल्दी उठाया जाए और हाईवे को थ्रू किया जाए। हमने जो भी मशीनरी रिक्वायर्ड है हमने लगा दी है, यहाँ पे लोडर्स या डंपर्स हैं, जो मलबा उठाएंगे कटर्स हैं, दरख्त काफ़ी सारे इसमें जो स्लाइड होके आए हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी मैन पावर लगा के इसको हम हाईवे को थ्रू करें, और बाकी देखेंगे इनका फिर उसके जो भी कंपनसेशन जो इनका जेन्युइन होगा डी होगा उसके लिए हम इनके केस प्रोसेस करेंगे। और जहाँ तक ये लोगों का कहना है यहाँ पे ऊपर से हमारा ये पावर प्रोजेक्ट का कैनाल जा रहा है उसका लीकेज है, बेशक ये है कि कैनाल जो ऊपर जा रही है वो काफ़ी जगहों पे लीकेज है, काफ़ी पुरानी है, और हम कोशिश करेंगे कि TDC के साथ हम टेकअप करें, गवर्नमेंट के साथ ये इशू हम ये स्ट्रांगली टेकअप करेंगे कि ये जो कैनाल है जो लीकेजेज हैं ये इसको स्ट्रेंथन किया जाए कैनाल को, लेकिन लीकेजेज बंद होनी चाहिए क्योंकि आगे भी कुछ ऐसा इंसिडेंट होने के एहतमाल है अगर इसलिए।